कुछ नहीं, हम जो नमस्कार, स्वागत है कानपुर मशरूम के इस न्यू वीडियो में। अभी जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ 27 तारीख को हुआ है, उसमें जो कैंडिडेट हैं उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे कि ट्रेनिंग में जो चीज़ इनको बताई गई है एक एक पार्ट वो कैसा लगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम हर्ष शुक्ला है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं कानपुर से ही हूँ, यशोदा नगर। अच्छा, तो हमारा जो है ये यहाँ का इस सेंटर का जो वीडियो और इस सेंटर का एड्रेस आपको कैसे मिला? सर, हमें यूट्यूब से थ्रू मिला, गूगल के थ्रू। अच्छा, तो गूगल के थ्रू आप आए हैं। तो जो आपका ट्रेनिंग हमारे यहाँ चला बटन मशरूम, ओस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का, तो इसमें क्या आपको अच्छे तरीके से समझाया गया? और जो लोग यूट्यूब देखकर सोचते हैं कि हम अपने काम को कर दें, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर, जब मैंने यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे ट्रेनिंग लिया तो मुझे एक चीज़ क्लियरिटी मिली कि हर एक जो बारीकी से कि भूसे को कैसे मिलाना है और अदर चीज़ों को कैसे मिक्स करना है, हमारे जो जो कंपोस्ट तैयार होता है वो कितने घंटे तक सुखाना है, कैसे सुखाना है, उसको हवा में कैसे रखना है, उसके अलावा भी जो हमारा पैकेट बनाएंगे वो कैसे रखना है, तो ये चीज़ ऑनलाइन में इतना क्लियरिटी के साथ में नहीं दिखाती। क्लियरिटी बोला जाता है कि हम भूसे को सुखा लेंगे, कैसे सुखाना है ये पॉसिबल नहीं होता, कंपोस्ट को मिक्स कैसे करना है, पानी बाहर मतलब अगर हम कंपोस्ट को छिड़काव कर रहे हैं तो कैसे करना है, ये चीज़ क्लियरिटी नहीं होती थी। उसके अलावा भी जब हम कच को जब शुद्धिकरण करते हैं तो शुद्धिकरण में कौन कौन से प्रोटेक्शन रखने, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, वो चीज़ सर यूट्यूब वीडियो में क्लियरिटी नहीं होती है। जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियरिटी मिली, जिससे हमारे जो उत्पादन है, हमारा प्रोडक्शन है, उसके सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ऑनलाइन के। जी, तो मशरूम ट्रेनिंग में आपको सारे चीज़ सारे नॉलेज दिया गया है और प्लस भविष्य में जब आप काम करेंगे तो उस समय भी आपको हमारे सेंटर से सपोर्ट करने के लिए और मार्केटिंग के लिए क्या वादा किया गया है कि नहीं? हाँ, हमें प्रॉपरली 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही साथ मुझे आश्वासन दिया गया है कि हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमको कहीं भी किसी भी चीज़ में प्रोडक्शन में डाउट आता है कि हम ऑस्टर मशरूम का उत्पादन करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और मेरे को डाउट है, तो हम क्लियरिटी के साथ में पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी बीज का कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, कैसे भूसा का मिक्स करना है, इसके लिए भी गाइड करने के लिए मुझे प्रॉमिस किया गया है। देन उसके बाद जब हम उत्पादन कर लेंगे तो उस पर भी हमें मार्केटिंग सपोर्ट का भी दिया गया है कि हम तुम्हारे मार्केटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, कि हमारा स्टार्टिंग के दिनों में बोला कि प्रॉमिस किया गया कि हम आपका ही खरीद लेंगे, खरीद के हम तुम्हारा सेलिंग करवा देंगे। राइट सर। हर्षित जी, आप हमको एक चीज़ और बता दीजिए कि आप लोगों को क्या आप कहेंगे कि वो ट्रेनिंग लेकर ही काम करें कि ऐसे काम करें मशरूम का, किस तरीके से काम करें, क्या ट्रेनिंग लेने का रिक्वायरमेंट आप कहेंगे? हाँ, यस, हम ट्रेनिंग लेने का रिक्वायरमेंट इस वजह से कहेंगे क्योंकि देखो एक हर एक चीज़ की कॉस्टिंग होती है, हर एक चीज़ की वैल्यूशन होती है, और हर एक टाइम की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें ऑस्टर मशरूम की या फिर वाटर मशरूम की, तो वाटर मशरूम ऑस्टर मशरूम का जो टाइम पीरियड आया है वो इस समय है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, और हर एक मशरूम के उत्पादन में एटलीस्ट 2 से 60 डेज तक का टाइम लगता है। 60 डेज के बाद हमारा जो फल आने लगता है, मशरूम आने लगता है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी मिलती है। इन केस हमने ऑनलाइन करने का सीखा, ऑनलाइन से हमने सीखा, हमने 60 डेज बर्बाद कर लिए, 60 डेज हमने यूज़ किया, 60 डेज हमने बनाया, और बाद में हमसे कोई मिस्टेक हो गई या फिर कीड़ा लग गया या फिर जो भी मतलब नहीं बन पाया या फिर किसी अब रीजन की वजह से ख़राब बना, तो हमने तो 60 डेज बर्बाद कर लिए। अब 60 डेज का जो फल आने का समय वो आया नहीं है, तो हमारा पैसा भी गया, समय भी गया और इस साल के लिए भी जो प्लानिंग की एजुकेशन वो एजुक्यूट भी नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आप देखा जाए अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम हुआ ऑस्टर मशरूम का, हमने नवंबर दिसंबर तो हमने करा लिया, अब नवंबर दिसंबर में हमारा जो हमने पेस्ट तैयार किया, कॉस्ट तैयार किया, वो चीज़ ख़राब हो गई, तो क्या हम जनवरी फरवरी में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा सीजन ही पूरा ख़राब हो गया, वो 2 महीने नहीं, एटलीस्ट पूरा 1 साल का सीजन ख़राब हो गया। बिल्कुल सही है हर्षित जी, आप सारे लोगों को बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि जब भी कोई काम करो तो उसके प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज लेकर काम नहीं करते हैं तो आपका समय, पैसा और आपका जो मेंटेनेंस है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी आप मशरूम का काम करें या किसी अदर कोई भी काम करें तो ट्रेनिंग लेकर, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर और जानकारी के साथ काम करें, कहीं से भी ट्रेनिंग दे लेकिन ट्रेनिंग लेकर काम करें, जानकारी रहेगी तो आपकी नुकसान की संभावनाएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
तो आपने सुन लिया हर्षित जी ने ये ट्रेनिंग का सारे शेड्यूल के बारे में, इन्होंने बता दिया कि ट्रेनिंग किस तरीके से करनी चाहिए और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ इनको बताया गया, सब हमारे सेंटर से बताई जाती है, सपोर्ट भी की जाती है। दूसरी चीज़, एक हमारे और कैंडिडेट आए हैं लखीमपुर खीरी से ट्रेनिंग के लिए, और इनका अनुभव कैसा रहा, दो दिन तीन दिन का जो ट्रेनिंग हुआ है, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले तो नाम बता दीजिए सर, कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी से, नीरज कुमार। अच्छा, तो ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक करके बताया गया, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक एक करके बताया गया और सब कुछ समझ में आया, जो यूट्यूब में नहीं समझ में आता है कि जो है कैसे खाद मतलब डालनी है, कैसे की बुवाई करनी है, किस तरीके से हमको जो है भूसे को सुखाना है, कि किस तरीके से उसके जो है प्रोडक्ट सारे जो है डालने हैं, इससे जो है हमको ये यहाँ से अनुभव हुआ कि ट्रेनिंग से कि जो है ये सब ऐसे करना है, यह सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं दिखाया जाता है। तो आप लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग मशरूम खेती के मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं इस समय कि हम मशरूम खेती करें, तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि वो ट्रेनिंग और प्रॉपर जानकारी लेकर ही काम करें कि ऐसे ही काम करें? सर हम तो यही कहेंगे कि वो लोग जो है भी ट्रेनिंग लेकर ही काम करें, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद जो है उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाता है, और हमारे यहाँ के ट्रेनिंग में जो चीज़ आपको बताया गया वो सारी चीज़ें समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, तो आप लोगों ने देखा कि सर ने अपना अनुभव शेयर किया, और मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग जब भी कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग और नॉलेज देकर ही काम करिए। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और इंडिया के किसी भी कोने में मशरूम का उत्पादन यदि आप कर रहे हैं और मशरूम की मार्केटिंग में यदि कहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर विजिट जरूर करें, और आपको पूरी हेल्प आपको हमारे यहाँ से की जाएगी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग देंगे तभी हम आपका हेल्प करेंगे, आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेनिंग लेकर भी काम करेंगे तो आपको सपोर्ट हमारे यहाँ से पूरी मिलेगी। तो हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।